वर्टिकल सेक्शन बता रहा होता है कि ये कितने वोल्टेज हैं। अब ये वोल्टेज हैं, ये हमें बताए हुए हैं कि ये 1 वोल्ट पीक टू पीक है, तो इसको हमें ये चेक करना है कि ये वाकई 1 वोल्ट पीक टू पीक पे कैलिब्रेट हुई हुई है या नहीं हुई हुई। आपके सामने और आज हम देखेंगे कि ऑसिलोस्कोप की कैलिब्रेशन किस तरह से की जाती है। और हमारे पास है जो ऑसिलोस्कोप, वो एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप है और इसकी कैलिब्रेशन किस तरह से की जाती है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑसिलोस्कोप जो होती है वो बेसिकली पूरे का पूरी जो स्क्रीन है इसकी, वो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पर बेस कर रही होती है। इसके अंदर डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए होते हैं, जिस तरह ये इसका इंटरनल बॉक्स में दिखा रहा हूँ आपको, वो बॉक्स आगे मजीद हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, जैसे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 वोल्ट के अंदर ये हॉरिजॉन्टली और इसी तरह वर्टिकली भी ये डिवाइड हुआ होता है। अब हमने ये देखना है कि अगर किसी ऑसिलोस्कोप को कैलिब्रेट करना है प्रॉपर, तो कैलिब्रेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा, किन चीज़ों को। हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर आते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे सामने ये एक पॉइंट है, कैलिब्रेशन पॉइंट। इस कैलिब्रेशन पॉइंट के ऊपर जो हमें ऑलरेडी बताया गया है वो है 1 वोल्ट पीक टू पीक वोल्ट, 1 वोल्ट है और साथ ही 1 किलो हर्ट्ज है। दो चीज़ें हैं, एक वोल्ट है और एक फ्रीक्वेंसी है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दो चीज़ों का। सबसे पहले तो हमने क्या करना है जी, कि ये आपके पास एक प्रॉब है और हमने इसको चैनल 1 पे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप ये देखें ये चैनल 1 है, तो चैनल 1 के ऊपर इसको सेलेक्ट किया हुआ है और साथ ही हमने इसको ऑटो मोड पे किया हुआ है। ये हमारे पास वोल्ट डिवीजन है और इसी तरह यहाँ इधर अगर देखेंगे तो ये टाइम डिवीजन है, क्योंकि चैनल 1 का है ये वाला, तो चैनल 1 के हिसाब से हम इसको देखेंगे। ये हमारे पास एक प्रॉब है, प्रॉब को सबसे पहले तो कैलिब्रेशन करने के लिए अगर आप इस यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये 1x है और ये 10x है, तो इन दोनों में से आपने इसको 1x पे करना है, 10x पे नहीं करना बल्कि 1x पे करना है, ताकि आपको ओरिजिनल जो है वो सिग्नल मिले। 10x को 10 टाइम एम्पलीफाई कर देता है इसको। यहाँ पर हम इसको लगाएंगे पॉइंट के ऊपर, तो ये कैलिब्रेशन पॉइंट है, इसके ऊपर हमने इसको लगा दिया। कैलिब्रेशन पॉइंट पे लगाने के बाद जो इसका ये वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन बता रहा होता है कि ये कितने वोल्टेज हैं। अब ये वोल्टेज हैं, ये हमें बताए हुए हैं कि ये 1 वोल्ट पीक टू पीक है, तो इसको हमें ये चेक करना है कि ये वाकई 1 वोल्ट पीक टू पीक पे कैलिब्रेट हुई हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम देखेंगे, हमारे पास ये वोल्ट डिवीजन है, वोल्ट डिवीजन को मैं यहाँ पर सेट करने लगाऊँ 1 के ऊपर, ये 0.5 है, मैं 0.5 पे सेट करता हूँ। 0.5 का मतलब ये होगा कि आपका एक बॉक्स वर्टिकली, एक बॉक्स 0.5 वोल्ट के बराबर है। तो क्योंकि यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि 1 वोल्ट पीक टू पीक है, तो हमारा आना चाहिए दो बॉक्सेस के ऊपर। दो बॉक्सेस पे होगा तो हम समझेंगे कि ये इसकी कैलिब्रेशन प्रॉपर होगी। मतलब अभी ये दो बॉक्सेस पे नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी कैलिब्रेशन आउट है। अभी कैलिब्रेशन सेट करने के लिए इसी टाइम वोल्ट डिवीजन के ऊपर एक लगा हुआ होता है छोटा पॉइंट, इसे हम कहते हैं ये इसका कैलिब्रेशन नॉब होती है। इसको आप घुमाएंगे और देखेंगे कि ये घुमाते घुमाते इसको जब सेट करेंगे, यहाँ पर देखें कि ये वर्टिकली दो बॉक्सेस के ऊपर आ चुका है। अब ये दो बॉक्सेस पे आया तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर कैलिब्रेट हो चुका है 2 वोल्ट के ऊपर, जो कि 1 वोल्ट के इक्वल है। वो किस तरह से 1 वोल्ट के इक्वल है, हमें पता है कि एक बॉक्स जो है वो आपका वो बन रहा है 0.5 का, तो दो बॉक्सेस जो बनेंगे वो 1 वोल्ट के बनेंगे हॉरिजॉन्टली। अब देखते हैं इसी तरह फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने कवर करते हैं। जैसे ये आपके सामने जो एक कंप्लीट साइकिल है, जैसे मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 4.5 या 4.2 या 4.4 के करीब है, तकरीबन उतने ये बॉक्सेस को कवर कर रहा है। तो इधर अगर आप देखें टाइम डिवीजन को, तो टाइम डिवीजन पे आपके पास 0.2 पे सेट हुआ है ये, तो 0.2 पे कितने होने चाहिए थे कि ये 1 किलो हर्ट्ज बनता है हॉरिजॉन्टली, उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली टाइम बता रहा है। तो टाइम है वो उसमें से फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है, तो f = 1/T, अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1 मिली सेकेंड अगर होगा, तो 1 मिली सेकेंड टाइम अगर होगा हमारे पास, तो फिर ये 1 किलो हर्ट्ज बनता है। तो अगर हम उसको उसकी जो नॉब है टाइम डिवीजन की, उसको 1 मिली सेकेंड के ऊपर रखेंगे, तो वो आपका एक बॉक्स को कवर करेगा, एक बॉक्स कंप्लीट जो है
उसके अंदर आना चाहिए, जबकि वो बहुत छोटा है, उसको सेट करना ज़रा हमारे लिए मुश्किल काम है। हम क्या करेंगे, हम इसको सेट, मैं इसको लगा रहा था जो हमारे पास नॉब है टाइम डिवीजन वाली, तो जो पॉइंट जो आपके पास फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए टाइम डिवीजन यूज़ करने, हमने वो टाइम डिवीजन के लिए हमें 0.2 के ऊपर इसको मैंने सेट किया हुआ है। 0.2 पे सेट करने का मतलब ये है कि मेरे पास जो एक बॉक्स है वो 0.2 जो है वो 0.2 का एरिया कवर करेगा। तो वन टाइम जो 1 मिली सेकेंड का जो एरिया है वो कवर करने के लिए उसे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने चाहिए होंगे, तो हमें 0.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो आपके पास पता लगता है कि ये 1 मिली सेकेंड बनता है। तो इसका मतलब हमारे पास 4-5 बॉक्सेस होंगे, तो ये आपका कंप्लीट जो है वो एक साइकिल 5 बॉक्सेस के अंदर आना चाहिए, तब जाके आपकी कैलकुलेशन होगी। चले देखते हैं हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4 चार बॉक्सेस और कुछ पे आया हुआ, 5 पे नहीं आया हुआ। तो हमारे पास कैलिब्रेशन के लिए टाइम डिवीजन के साथ यहाँ पे एक वेरिएबल लगा हुआ है, ये वेरिएबल जो है वो वेरी करने से हमें, हम देखेंगे कि ये इसके अंदर भी चेंजिंग आ रही है, वो वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे जाके इतना सेट करूँगा कि वो 5 बॉक्सेस आ जाएंगे। ये 7 वाला देखें इसके, ये यहाँ से है जी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 के ऊपर पूरा आ चुका है। तो हमने प्रॉपर कैलिब्रेट कर लिया है इसको इस तरह से कि हमारे पास 1 वोल्ट पीक टू पीक है और 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। तो ये 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी और 1 वोल्ट पीक टू पीक के ऊपर हमने प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑसिलोस्कोप की कर ली है। तो ये बड़ा सिंपल सा एक मेथड है इसकी कैलिब्रेशन करने का। आप लोगों को अगर समझ आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर आपको इस चीज़ में मज़ीद कुछ समझना है इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें, तो तब भी आप कमेंट में ज़रूर इजहार करिएगा अपनी राय का। और अभी तक अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।